फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पल्सर 180 UG4 में टोटल कितने सेंसर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल की लेटेस्ट बाइक्स में ही सेंसर आते हैं, पुरानी बाइक्स में भी सेंसर आते थे। और ये गाड़ी 10 साल पुरानी है, 2010 मॉडल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 10 साल पुरानी गाड़ी में भी कितने ज़्यादा सेंसर आते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो स्पीडोमीटर का केबल है, इसके अंदर कोई वायर नहीं है। पुराने जो एनालॉग मीटर थे उसमें तार आते थे, जो तार घूमता रहता था बाइक के स्पीड के हिसाब से, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल वायर है और इसके अंदर मैग्नेटिक सेंसर होता है। और ये एलॉय व्हील के अंदर के भाग में मैग्नेट होता है, वो सेंसर मैग्नेट का रोटेशन सेंस करता है और उसका डेटा ऊपर भेजता है स्पीडोमीटर में। उसके बाद दूसरा एक सेंसर है जो अभी के लेटेस्ट पल्सर में बंद हो गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो दिख रहा है वो सेंसर है इंडिकेटर का, और ये जो दो स्क्रू दिख रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेट आता है लेकिन मैंने निकाल दिया है। सिर्फ UG3 और UG4 में ही ये टेक्नोलॉजी आती थी। इसमें सिस्टम ऐसा आता था कि अगर हमने साइड इंडिकेटर दिया है और अपना टर्न पूरा हो जाए, उसके बाद जब हम स्टीयरिंग को सीधा करते हैं, उस टाइम पे ये सेंसर को पता चल जाता है कि अपना टर्न पूरा हो गया है और ऑटोमेटिक इंडिकेटर को बंद कर देता था। उसके बाद UG3 और UG4 में ही ये वाली स्विच आती है, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता। ये लूज़ हो जाए, इसमें ये पानी में डूब जाए, इसको कोई भी फर्क नहीं होता। ये सारी स्विच मैग्नेटिक सेंसर पे चलती है। ये स्विच, ये स्विच, ये स्विच, ये सभी स्विच मैग्नेटिक सेंसर पे चलती है। ये स्विचें कभी ख़राब नहीं होती, जब फिज़िकल डैमेज होता है तभी ख़राब होती है। और ये सेंसर का फीडबैक मिलता है बॉडी कंट्रोल यूनिट को, जो अंदर होता है। शायद कैमरा में आपको नहीं दिख पाएगा, यहाँ पे एक होता है जो सारी स्विचों और सेंसरों का फीडबैक लेता है और उसको क्या करना है वो खुद डिसाइड करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आती है। बंद इंजन में हेडलाइट थोड़े टाइम चालू रहेगी लेकिन उसके बाद बंद हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आता है इसके अंदर RPM सेंसर, और ये कोई आजकल की टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सालों पहले से आता है। पल्सर शुरू हुआ उससे भी पहले ये टेक्नोलॉजी आती थी, बजाज बॉक्सर, कैलिबर, वो सभी गाड़ियों में। और RPM सेंसर उसका जो डेटा होता है वो CDI यूनिट को देता है, और CDI यूनिट स्पार्क पल्स जनरेट करता है और वो LT80 कॉइल में जाता है, और उसके बाद वो करंट स्पार्क प्लग में जाता है और स्पार्क होता है। उसके बाद एक सेंसर होता है साइड स्टैंड का, इसके पीछे ये दो आप बोल्ट देख रहे हो छोटे छोटे, ये सेंसर के हैं। अगर साइड स्टैंड एंगेज रहता है तो स्पीडोमीटर में वो लाल कलर की लाइट दिखाता है, वार्निंग लाइट, जिससे हमें पता चलता है कि साइड स्टैंड हमारा गलती से चालू रह गया है। और एक सेंसर कार्ब्यूरेटर भी पे भी है, थ्रोटल रिस्पॉन्सिव इग्निशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं बजाज वाले। ये मैग्नेट है और ये सेंसर है। हम यहाँ तक थ्रोटल खींचेंगे तब ये इकोनॉमी मोड पे चलेगा, और जब ये मैग्नेट सेंसर से दूर हो जाएगा तब गाड़ी पावर मोड पे चलेगी। ऑलरेडी मैंने इस सेंसर पे डिटेल वीडियो बनाया है,
वो देखना है तो आई बटन में मिल जाएगा आपको। और टैंक में जो फ्यूल लेवल के लिए होता है वो एग्जैक्टली सेंसर नहीं होता, लोग उसको सेंसर बोलते हैं, लेकिन वो वेरिएबल रजिस्टर होता है, इसलिए मैं उसको एज अ सेंसर नहीं कंसिडर करूँगा। तो ये सारे सेंसर के फीडबैक पे गाड़ी चलती है, और ये 10 साल पुरानी गाड़ी है। अभी की अब आजकल के ज़माने में तो स्प्लेंडर में भी बहुत सारे सेंसर आते हैं, लेकिन 10 साल पहले की गाड़ी है। और इसके एमिशन नॉर्म्स हैं BS2। जी हाँ, आपने सही सुना, उस ज़माने में BS2 गाड़ी आती थी, जिसमें ज़्यादा एमिशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था। उस ज़माने में परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उसके बाद क्लच में भी सेंसर आता है, जब भी गियर में गाड़ी चालू करना हो तो क्लच दबाना पड़ता है चालू करने के लिए, तो ये सेंसर वो काम करता है। दूसरा एक छोटा सा सेंसर होता है यहाँ पे ब्रेक का, अगर हम फ्रंट ब्रेक लीवर को दबाएंगे तो ब्रेक लाइट चालू होगी। फिर ये है हमारा रियर ब्रेक पैडल, यहाँ पे भी एक सेंसर होता है, ये है उसका वायर, ये सेंसर ब्रेक लाइट चालू करने का काम करता है। जो पुराना पल्सर 220 था कार्ब्यूरेटर वाला, उसमें ऑलमोस्ट सेम फीचर्स होते थे, लेकिन 3 सेंसर ज़्यादा थे। एक सेंसर एयर फिल्टर में था, जो एयर फिल्टर चॉकअप की वार्निंग दिखाता था। दूसरा एक सेंसर 220 में यहाँ पे ऑयल कूलर था, उसके ऊपर था, जो ओवरहीट दिखाता था। और एक सेंसर यहाँ पे था, जो ऑयल कम हो गया है उसकी वार्निंग देता था। और यहाँ पे भी एक सेंसर था, वो भी शायद इंजन की हीट चेक करता था, और जो ऑयल कूलर में था वो ऑयल की हीट चेक करता था। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि पुराने पल्सर में भी कितने ज़्यादा सेंसर आते थे और वो सेंसर कैसे काम करते थे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।